कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई है और सरकार बनाने के लिए जिस तरह से बीजेपी का सामना किया वो वाकई काबिले तारीफ है। जिसे देखकर लगता है कि कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति से बीजेपी को ही मात दी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी को मात देने के लिए सभी दलों का साथ आना भी जरूरी होगा। इसी मामले में तेलंगाना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मधु गौड याक्षी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की संभावना काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, जब उनसे राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही तो उन्होंने जवाब दिया कि इस पर बात करना भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यह काफी हद तक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहां कांग्रेस का सीधा सामना बीजेपी से है और अगर इन जगह कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली तो राहुल की दावेदारी को बल मिलता नजर आ रहा है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।